वही बात करते हैं। खादिम रिजवी साहब से मैं, सच्ची बात यह है कि कोई कुछ भी कहे उनके लिए ये कोई नहीं कह सकता कि वो आशिक रसूल नहीं। बेशक ऐसा ही है, जो बात है कहने की डंके की चोट पे, बेशक इसमें ये उन्होंने साबित किया कि व्हील चेयर के ऊपर बैठकर उन्होंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ललकार दिया, हर ललकार दिया। और इतना बड़ा मैंने मुजाहिद सुने थे इन आंखों ने देखा भी। ओ तो बात यह है कि जो क्या जनाजा, मैं ये जिसको छुपाना पड़ जाए, जनाजे को छुपाना पड़ जाए कि बाहर के लोग ना देख लें, ये डर खौफ किस चीज का? ये कैसा डर है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी भी करें और अगर हम खड़े हों तो फिर हमें छुपाए भी, हमें डराए भी, हमें मना भी नहीं छुपा सकता। ये कैसा कलमा आप पढ़ते हैं? ये कलमा, ये जो लोग कलमा पढ़ते हैं उनको ये बात बिल्कुल भी जो है ना उन पर अच्छी नहीं लगती कि वो मामला जो असल मामला था उससे हट के दुनियादारी में नहीं छुपा सकता कोई। मैं समझता हूँ कि एक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जनाजा नहीं देखा। बेशक अस्पताल चौक, ट्रेन स्टेशन चौक, एयरपोर्ट चौक, मुझे याद है रोड, क्योंकि वहाँ जो मीनार पाकिस्तान में मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जो कि लोग 10-10 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा निज़ाम चौक हो गया था। बिल्कुल इसमें जाहिर है लोगों की एक उनसे मोहब्बत थी और सारी नस्बत तो वहीं से, हुक्म तो वहीं से, सारी नस्बत वहीं जो से उनके अच्छे मामला भी फिर वहीं से होते हैं। बात यह है, बाकी आपको पता है कि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, यहाँ तक तो हम जिस चीज़ की जो एप्रिसिएशन है वो हम करते हैं।